दिस इज रिया और मेरे साथ हैं मेरे दो दोस्त. हम लोग तीनों के तीनों आज एकदम सेम लग रहे हैं और आज हमारे कॉलेज की ड्रेस बन चुकी है. तो फिर आज हम आए हुए हैं अपने कॉलेज के अंदर और कॉलेज में 67th एनुअल आर्ट एग्जीबिशन लग रखी है और ये 5 दिनों तक लगती रहेगी. यानी कि आज है 21st अप्रैल और ये 25th तक लगती रहेगी और इसके अंदर बहुत सारे आप डिफरेंट काम देख सकते हो अलग अलग स्पेशलाइजेशंस के. तो वो सारे काम यहाँ पे डिस्प्लेड है जो मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगी. अभी हम आ गए हैं कैंटीन के अंदर लंच करने के. मैं आई हूँ अपने वाले एरिया में जहाँ पे मेरा वाला काम डिस्प्ले हो रखा है. मेरे को थोड़ा बहुत यहाँ पे काम था, जैसे कि मुझे ना बिहेंस और इंस्टाग्राम के क्यू आर कोड्स लगाने थे तो वो मैं लगाने के लिए यहाँ पे आई थी. इसके बाद मैं जाऊँगी सीधा ऑडिटोरियम. अभी आई थी तो मेरी डायरी में ना बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज़ लिखे हुए थे. मैंने सोचा था कि उसे अच्छे से दिखाऊंगी और जब मैं नेक्स्ट टाइम आई तो वो डायरी यहाँ पर नहीं है, तो उठा के लेके चला गया डायरी. काम कुछ पेन स्केचिंग है और एक इलस्ट्रेशन है, ये बड़ा वाला. ये इलस्ट्रेशन मैंने लिटरली रात में बैठ के पूरा किया है और फिर यहाँ पर आके डिस्प्ले किया है. बाकी का ये JBL वाला काम है. कुछ इलस्ट्रेशन है जो JBL मेजर कैंपेन में मैंने बनाए थे. दिखाती हूँ आपको स्कल्पचर का डिपार्टमेंट. ये रही इतनी सारी चीज़ें लगी हुई है यहाँ पे और ये रही हमारी स्कल्पचर वाली लड़की. इनकी क्लास आज काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है. देखो हमारे साथ इंकू सर भी आ गए हैं अभी. और ये जो आप आगे काम देख रहे हो ना, ये सपना नहीं बनाया है. बाकी इनकी क्लास में और भी बहुत सारे काम हैं जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. मुझे ऐसा लगता है कि मुझे स्कल्पचर में बहुत इंटरेस्ट है सच में. और अब हम आते हैं अप्लाइड आर्ट यानी कि मेरे स्पेशलाइजेशन में. और अब आप यहाँ पे देखोगे कि किस तरीके से कुछ बेसिक चीज़ों को यूज़ करके इतना अच्छा डेकोरेट किया हुआ है. अप्लाइड आर्ट डिपार्टमेंट में आते ही आपको एक कलरफुल सा एक स्पेस दिखेगा और ये काफ़ी अच्छा डेकोरेट हो रखा है. इस आगे जाके ही ये आपको एक रोशनदार सी एक जगह दिखेगी जो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक सी वाइब दे रही है. और इसी एरिया में आपको बहुत अच्छे से वर्क को डिस्प्ले किया हुआ दिखेगा होलोग्राम पर. और ऐसे सारे बच्चों के काम डिस्प्ले हो रखे हैं जिसमें मोस्टली पोस्टर, प्रेस लेआउट एंड इलस्ट्रेशन शामिल है. और इसके अलावा अगर आप आते हो अप्लाइड आर्ट यानी कि सेकंड फ्लोर में, तो फिर आप इस एनिमेशन को देखना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि एनिमेशन काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है. अगर आप इसे मिस करोगे तो आपको सच में रिग्रेट होगा. इस पूरे रूम की वाइब ही अलग है. और ये वाली इंस्टॉलेशन लगा रखी है पेंटिंग डिपार्टमेंट यानी कि फर्स्ट फ्लोर पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है. ये देखो टाइल वाला काम, इसको शायद मोज़ेक बोलते हैं. ये वाला काम तो मोहित का है. ये पूरी क्लास ऐसी लग रही है. अगर आपको भी ट्रेडिशनल आर्ट में इंटरेस्ट है तो फिर आप ऐसी ऐसी जगह पर आ सकते हो और इन सारी पेंटिंग्स को देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो. इसका डिस्प्ले काफ़ी यूनिक है. ये काफ़ी वाइब्रेंट कलर से सिटीस्केप दिखाया हुआ है, कितना अच्छा लग रहा है. और ऐसी बहुत सारी और अच्छी अच्छी पेंटिंग्स यहाँ पर हैं. ये मोहित और तनिषा का डिस्प्ले है. इस पर हम ना इस प्लेट पर, ये एक्रेलिक शीट है, इस पर हम कुछ भी बना सकते हैं मार्कर से. और वो जब हम यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर लाइट आने की वजह से वो वहाँ पर दिखेगा. यहाँ पर हमारे कॉलेज का नुक्कड़ नाटक हो रहा है. ये इंस्टॉलेशन आप देख सकते हो ऑडिटोरियम के जस्ट सामने. ऑडिटोरियम में और भी बहुत कुछ आर्ट वर्क, स्कल्पचर, इंस्टॉलेशन, ये सब कुछ डिस्प्ले हो रखा है. इस पूरे हॉल में ना मास्टर्स के स्कल्पचर ही डिस्प्ले हो रखे हैं. देखो इस स्कल्पचर को थोड़ा सा और लाइव दिखाने के लिए यहाँ पे आवाज भी आ रही है बच्चों की इससे. और भी बहुत सारा काम यहाँ पे मास्टर्स का लगा हुआ है. ये वाला ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा. इस वाले हॉल में डिस्प्ले हो रखा है पेंटिंग के मास्टर्स वाले बच्चों का. और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग पेंटिंग्स आप यहाँ पे देख सकते हैं. यहाँ पे मशीन चलने की रिकॉर्डिंग भी लगाई हुई है जिससे एकदम अच्छा सा इफेक्ट आ रहा है. ऐसा लग रहा है सब कुछ रियल में हो रहा है. अब हम देखेंगे मोहित का रिएक्शन. मोहित को अभी तक नहीं पता था कि हम तीनों ने सेम ड्रेस पहनी है. अबे मोहित बताओ तो सही, कैसा लगा? हम कैसे लग रहे हैं? ऐसे बैठे रहे तुम पहले बैठे हुए थे. अब क्यों
पहले तो मेरा पोज खराब बता दिया था। तो गाइस यहाँ पे लोग चिलिंग करते हुए, थोड़ी सी चिलिंग करने के बाद अब हम फिर से जा रहे हैं ऑडिटोरियम के अंदर और सारी डिस्प्ले चीजें देखने के लिए, इससे पहले कि ऑडिटोरियम बंद हो जाए। अब हमें सारी की सारी चीजें जल्दी जल्दी देखनी होगी। लालू की लिट्टी चालू का चोखा, और भी कुछ वीसी वाले बच्चों का काम देख सकते हो, और भी कुछ काम है यार। ये सारी के सारी ना अभी लॉक होने वाला है और मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई। यहाँ पर और सारे आर्ट वर्क्स दिख रहे हैं, देखो ये शायद प्रिंट मेकिंग के हैं। ये वाले भी कुछ आर्ट वर्क्स प्रिंट मेकिंग है। सारे रूम्स लॉक हो रहे हैं, मैं अच्छे से दिखा नहीं पाई, तो पॉसिबली जो भी बच रहा है वो मैं आपको कल वाले ब्लॉग में दिखा दूँ। ये स्कल्पचर मोहित का फेवरेट है ना। ऑडिटोरियम मेरी एक्सपेक्टेशन से पहले ही बंद हो गया, और यहाँ पर मैं और ये डॉगो दोनों परेशान हैं बहुत ज़्यादा। तो मैंने कुछ आर्टवर्क दिखाए आपको, कुछ डिस्प्ले वाले काम दिखाए, बट पता क्या हुआ, मैं इतना लेट पहुँची वहाँ पर, वो सारी की सारी चीज़ ना बंद होने वाली थी और मैंने आपको जल्दी जल्दी चीज़ें दिखा दी। तो फिर बाकी जो चीज़ बची है, जा रहे हैं अंकल बस एक मिनट में। चलो बच्चे जाओ, कल एकदम बंद होने वाला है। हमको तो सिक्योरिटी गार्ड वाले अंकल भी आए थे, वो भगा के गए हैं अभी, जैसे वो पानी भरी है इसलिए हम रुके हुए हैं। तो अभी बस हम निकलते हैं। ये देखो लाइट वाइट चलने के बाद कितना अच्छा लग रहा है ये। मैं सिक्योरिटी गार्ड वाले अंकल के बगल में ही खड़ी हुई थी, इसीलिए मैं ये वीडियो बना पाई, वरना तो अंकल मेरे को भी भगा ही देते। अब लोग सारे आ चुके हैं, लेकिन कॉलेज इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना इन लाइटिंग्स के साथ, बहुत ज़्यादा अच्छा। आ चुकी हूँ घर पर, एंड आई नो मैं बहुत अच्छे से एक एक चीज़ तो आपको नहीं दिखा पाई, लेकिन अगर आपको ये सारे के सारे वर्क्स और अच्छे से देखते हैं तो बेटर है कि आप खुद ही हमारे कॉलेज आ जाओ, क्योंकि ये जो एग्जीबिशन है वो आज से यानी कि 21 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हो रही है और ये चलेगी 25 अप्रैल 2023 तक। तो अगर आपको सारे सारे आर्ट वर्क या फिर और भी इंस्टॉलेशन डिस्प्ले कोई भी वर्क देखना है तो फिर आप आ सकते हो इस टाइम के बीच में, यानी कि 25 अप्रैल से पहले पहले। और सबसे बड़ी बात बताऊँ, कॉलेज में आने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि आप एक आर्ट स्टूडेंट हो या फिर आप किसी भी कॉलेज के स्टूडेंट हो। हमारे कॉलेज में यानी कि कॉलेज ऑफ आर्ट में कोई भी आ सकता है, कोई भी एज ग्रुप नहीं है, और ये सब बिल्कुल फ्री है। तो अगर आपको सारे के सारे वर्क्स बहुत अच्छे से देखने हैं, मतलब वीडियो में नहीं खुद जाकर देखना है, तो फिर आप खुद भी आ सकते हो हमारे कॉलेज। और हाँ, मैं सब कुछ अच्छे से तो नहीं दिखा पाई, एंड पॉसिबली मैं आने वाली वीडियोस में सब कुछ कवर कर लूँ, बट आई थिंक आपको ये वाली वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। तो डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलाइजेशन, एक मिनट रुक जाओ दोबारा से बनाती हूँ। सब लोग हमसे पूछे जा रहे हैं कि क्या परफॉर्मेंस करने वाला, और हमने बोला हाँ हमारी परफॉर्मेंस आपको मिलेगी सोशल मीडिया पर।